मैं भी कुछ स्वाद वालों पीऊंगा। तो बहुत जोड़े वाली वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है हमारा 12th, तो उधर मम्मी मुंह पड़ रही है तो निकलते। सो कल मेरे को एक कमेंट आया था कि आप अपने जिम पे वीडियो के फॉर्म पे ध्यान दो, अपने फॉर्म पे ध्यान दो, क्योंकि मेरे को देख के तुम लोग सीख। तो मेरे को ये कहना है कि अभी मेरे को मैक्स 2 ही महीने हुए हैं जिम चालू किए, तो मैं मेरा पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि हर एक एक्सरसाइज फॉर्म में करूँ और माइंड मसल कलेक्शन के साथ करूँ। ओके, तो और कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं कि मैं अभी भी नई नई कर रहा हूँ। मतलब स्टार्टिंग में मैंने ब्लो स्प्लिट किया था, अभी मैं पुश पुल चालू किया हूँ। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे एक 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 स्टेप करके सीख रहा हूँ। तो वेट फॉर इट गाइस, आई एम वर्किंग ऑन माय फॉर्म, एवरीथिंग विल बी गुड। धीरे धीरे जैसे मेरा फॉर्म अच्छा आएगा, मेरा माइंड मसल कलेक्शन जो बढ़ता जाएगा ना, फिर मैं आपको फॉर्म एक्सरसाइज के बारे में बताऊँगा। तो ये चैनल तो मैंने इस पर्पज से चालू किया था कि मैं इतने सालों का मेरा डिसिप्लिन और मेरा माइंड सेट जो मैंने डेवलप किया है वो तुम लोग को दिखा सकूं, और एट दी एंड मेरा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे मैं थिंक करता हूँ कोई भी चीज़ करने से पहले वो तुम लोग को सिखा सकूं, इसलिए चालू किया है। अभी तो स्टार्टिंग है, ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। धीरे धीरे जैसे ही बढ़ता जाएगा, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, आई गिव यू माई माइंड सेट जो कभी ना टूटने वाला है, क्योंकि एवरीथिंग इज हियर। तुमको तुम्हारा माइंड कंट्रोल करना आना चाहिए, कैसे डिसिप्लिन में रहता है, माइंडसेट कैसा रखना है, धीरे धीरे बताता रहूँ। ठीक है, टॉप साइड
यार छोड़ दिया भाई, जाड़िया बोले छोड़ दिया भाई। छी चालू भाई देखो पूरा जिम खाली, काम कर रहे हैं। और ये भाई सारे डंबल एकदम लाइन में लगा हुए हैं, ऐसे टाइम पे बहुत मज़ा आता है। बस तो या मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था माइंडसेट, तो एक मेरा माइंडसेट है कि एक भी दिन स्किप नहीं करना है जिम का अननेसेसरी। कि ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, जाना है तो जाना है, पूरा अपना 100% देना है जिम को। और रही बात उसकी फॉर्म की, फॉर्म पे हम ध्यान देंगे धीरे धीरे। फिर एक्सरसाइज के फॉर्म पे ध्यान दे रहा हूँ, स्लो स्टेडी हाइपरट्रॉफी फॉर्म। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय गाइस।